Hello and welcome to learning session number 4 of chapter number 2, which is called Life Processes in Living Organisms Part 1, which is a chapter in your Science 2 textbook. Okay, so far in this chapter, what we have seen introduction and we have revised key topics from previous classes that we have learned about this topic. Then we saw the connection between living organisms and life processes, and we understood ki hamare organs continuously kaam kar rahe and they need energy for working continuously. Okay, then we had seen respiration do levels pe ho sakte hai. One is body level and the other is cellular level. So body level mein you are exchanging carbon dioxide and oxygen with your body and the surroundings. Okay, and cellular respiration mein again there are two types, aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration yani air ke presence mein, yani air mein kya hai, oxygen, to oxygen ke presence mein. And anaerobic jis uska ulta, air nahi hoga तब रेस्पिरेशन होता है, उसको बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, तो उसमें ऑक्सीजन तुम यूज नहीं कर पाओगे. सो इन द लास्ट लर्निंग सेशन वी हैड सीन एरोबिक रेस्पिरेशन इन डिटेल. ओके, इन दिस लर्निंग सेशन वी आर गोइंग टू क्विकली फर्स्ट रिवाइज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एंड एट द एंड ऑफ द लर्निंग सेशन वी विल क्विकली सी अ फ्यू पॉइंट्स इन एनर्जी, हाउ डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कॉम्पोनेंट्स. ओके, the new words we going to learn today are, first is germination, second is de novo. This is a Latin word and we're going to see uska matlab kya. Okay, Latin word hai ye. And the third word is chloroplast. Okay, these are the new words we're going to learn today. So let's quickly revise aerobic respiration at cellular level. So first step, usme teen steps hote hai, right? So first step hai glycolysis. So glycolysis mein kya hota hai, glucose jo hai wo cell ke cytoplasm mein ऑक्सीडाइज होने वाला है, और जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है तब वी गेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूविक एसिड, एटीपी, एनएडीएच ट्वाइस और वाटर. इन चारों के हम लोग को दो दो मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं. देन पाइरूविक एसिड इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए. ओके, एंड फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए किस में कन्वर्ट होता है, टू NADH ट्वाइस और दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है. सो यहाँ पे जो एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्म हुआ है, दैट इज यूज्ड इन द नेक्स्ट स्टेप. द नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. ओके, सो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाता है सेल के, एंड वंस इट एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया इट गोज थ्रू समथिंग कॉल्ड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. ओके, इट्स अ साइक्लिक चेन ऑफ वेरियस रिएक्शंस, और वो रिएक्शंस को इस साइकिल को क्रेब साइकिल भी बोलते हैं, बेस्ड ऑन द साइंटिस्ट नेम हु हैज डिस्कवर्ड दिस प्रोसेस. ओके, सो आफ्टर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये सारे रिएक्शंस होने के बाद एसिटाइल कोएंजाइम में किसमें बदलने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, एनएडीएच ट्वाइस में एंड एफएडीएच ट्वाइस में. सो दिस एनएडीएच ट्वाइस एंड एफएडीएच ट्वाइस आर देन यूज्ड इन द लास्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हिच इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन. सो एनएडीएच ट्वाइस और एफएडीएच ट्वाइस के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन होगा, एंड एट द एंड ऑफ दैट रिएक्शन वी आर गोइंग टू गेट थ्री एटीपी मॉलिक्यूल्स, वन वाटर मॉलिक्यूल एंड टू एटीपी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम. सो यहाँ के जो तीन एटीपी मॉलिक्यूल्स है एनएडीएच ट्वाइस से मिलते हैं, और यहाँ के जो दो एटीपी मॉलिक्यूल्स है वो एफएडीएच ट्वाइस से मिलते हैं. सो इन टोटल वी गेट फाइव एटीपी मॉलिक्यूल्स. सो दैट वॉज अ क्विक क्विक रिविजन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, so based on whatever we have seen with respect to aerobic respiration, you all can now answer these two questions by yourself. Okay, so these questions are given at the end of your chapter on page number 21 of your textbook. Question number 5 ka A and E. A wala bol raha hai explain glycolysis in detail. So first step jo aerobic respiration ka tha, you'll just have to, tum log ne samajh liya right wo chart se, usko bas abhi point wise answer form mein likhna hai. And next is explain Krebs cycle with reaction. Again Krebs cycle jo second point hai, second step hai of aerobic respiration, you have to just explain that in an answer format point wise. So I am trusting you all to write the answers to these two questions by yourself in your notes. Okay, we're going to move ahead. Next question is give scientific reasons. Okay, Krebs cycle is also known as citric acid cycle. Krebs cycle ko citric acid cycle kyun bolte hai? So the answer to it is you all can write the answer in two simple steps. First is एसिटाइल कोएंजाइम ए, जिसमें दो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, ओके, या फिर दो, उसमें दो कार्बन के एटम्स होते हैं, सो इट्स अ टू कार्बन कंपाउंड, क्या एसिटाइल कोएंजाइम ए, एंड सो दिस इज गोइंग टू एंटर माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट इज गोइंग टू कंबाइन विद अ स्पेसिफिक एसिड. ओके, सो
इसको तुम लोग दो पार्ट्स में रीड करो, ओ एक्स ए एल ओ ऑक्सेलो, ओके, ओ एक्स एल ओ एल ओ ऑक्सेलो, और ये क्या है, ए सी ई टी आई सी एसिटिक, ऑक्सेलो एसिटिक एसिड, ओके, हाउ विल यू प्रोनाउंस दिस, ऑक्सेलो एसिटिक एसिड, ओके, और इसमें कितने कार्बन के एटम्स है, फोर कार्बन के एटम्स है, सो एसिटाइल कोएंजाइम ए इज अ टू कार्बन एटम, ऑक्सेलो एसिटिक एसिड इज अ फोर कार्बन एटम, बोथ ऑफ सो एसिटाइल कोएंजाइम ए इज गोइंग टू एंटर माइटोकॉन्ड्रिया एंड कंबाइन विद ऑक्सेलो एसिटिक एसिड, एंड यहाँ पे दो कार्बन एटम्स है, यहाँ पे फोर कार्बन एटम्स है, तो दोनों कंबाइन होने के बाद क्या बनेगा, सिक्स कार्बन एटम बनेगा, और जो बन गया उसको क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड, सो ये दो कंबाइन होकर सिट्रिक एसिड बन जाता है, ओके, किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और सिट्रिक एसिड पहला स्टेबल कंपाउंड है, राइट, द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड विच इज फॉर्मड इन कर्ब साइकिल, कर्ब साइकिल में बहुत सारे रिएक्शन है और वो एक साइक्लिक रिएक्शन है, राइट, सो उसमें बहुत सारे रिएक्शन होने वाले हैं, So, बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म होंगे वापस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, फॉर्म होंगे वापस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो सबसे पहला जो स्टेबल कंपाउंड कौन सा फॉर्म होता है साइकिल में, इट इज सिट्रिक एसिड, दैट्स व्हाई कर्ब साइकिल इज आल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड, सो काइंडली नोट दिस डाउन इन योर नोटबुक्स एंड बाय हार्ट द क्वेश्चन, ओके, बाय हार्ट द क्वेश्चन एंड द आंसर, ओके, इट्स टाइम फॉर यू टू स्टार्ट बाय हार्टिंग द आंसर्स, ओके, ये जो एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस है स्पेशली यू विल नीड टू बाय हार्ट दिस बाय हार्ट द आंसर टू दिस क्वेश्चंस एंड स्टार्ट मेमोराइजिंग योर आंसर्स, ओके, नेक्स्ट यू गोइंग टू सी एरोबिक एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक देख लिया था, एरोबिक यानी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर मतलब एयर में ऑक्सीजन होता है, इसलिए एरोबिक का मतलब ये भी होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके, सो उसका उल्टा क्या है, एनएरोबिक, एरोबिक के पहले एन लगा दो, सो उसका उल्टा हो गया एनएरोबिक, so anaerobic respiration, so some organisms cannot live in presence of oxygen, कुछ कुछ ऐसे living organisms है जो oxygen के presence में नहीं रह सकते, बिना oxygen के रहना पड़ता है उनको, example क्या है, बहुत सारे ऐसे bacteria है जो ये जिनको ये condition follow करनी पड़ती है, okay, such living organisms have to perform anaerobic respiration for energy production, so अभी उनके आजू बाजू oxygen तो है नहीं, right, अभी oxygen नहीं अगर आजू बाजू तो उनको ऑक्सीजन के बिना रेस्पिरेशन बनाना पड़ेगा, रेस्पिरेशन इज इंपॉर्टेंट, राइट, रेस्पिरेशन के बिना एटीपी नहीं बनेगा, और अगर एटीपी नहीं बना तो एनर्जी नहीं मिलेगी उसको डेली टास्क परफॉर्म करने के लिए, सो एनर्जी तो चाहिए तो रेस्पिरेशन भी करना पड़ेगा, बट अभी एयर नहीं है तो बिना एयर के रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, इसलिए इट विल गो अंडर एनरोबिक रेस्पिरेशन, ओके, सो इसमें दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या है, ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन, सी दीज वर्ड्स आफ्टर मी, ओके, सो दैट योर प्रोनाउंसिएशन इज ऑल्सो करेक्ट, glycolysis and fermentation, so glycolysis and fermentation are the two steps of anaerobic respiration, theek hai, next some plants animals and aerobic microorganisms also perform anaerobic respiration, so bhi plants animals or aerobic microorganisms inke aaju baju to air hota hai, right, plants ke aaju baju air hota hai, animals ke aaju baju bhi air hota hai, even then they are going to perform एरोबिक रेस्पिरेशन, आजू बाजू एयर होते हुए भी बिना एयर के लोग रेस्पिरेशन करने वाले हैं, कब करेंगे, इफ देयर इज डिप्लीशन इन ऑक्सीजन लेवल इन द सराउंडिंग, आजू बाजू जो ऑक्सीजन है उसका लेवल अगर कम हो गया तो बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ओके, सो एग्जाम्पल क्या दिया यहाँ पे, एग्जाम्पल इज सीड्स परफॉर्म एनएरोबिक रेस्पिरेशन इफ द सॉइल इज सबमर्ज्ड, ओके, आई विल वेट फॉर दैट ब्लैक बार टू गो डाउन, ओके, so seeds perform anaerobic respiration if the soil is submerged under water during germination, germination ka kya matlab hai, jab bhi seed mein se kuch bhi bahar nikal ke grow ho raha hai that is known as germination, okay, kabhi bhi seed mein se kuch bhi bahar nikal ke grow ho raha hai that is known as germination, so agar germination water ke andar ho raha hai, okay, agar yahan pe soil hai, soil ke andar wo seed hai aur aaju baju pura water hai to air nahi hai, air nahi hai to oxygen nahi hai, that's why seeds can perform anaerobic respiration in the soil, okay, so ek example tha ki kab anaerobic respiration use karna pad sakta hai, okay, we're going to move ahead, so again we're going to learn anaerobic respiration through a chart, okay, so first step is glycolysis, kaun se do steps hai important anaerobic respiration mein, glycolysis and fermentation, right, so first is glycolysis, so glycolysis mein kya hone wala, ग्लूकोज इज गोइंग टू बी ग्लूकोज के साथ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होने वाला है, ओके, फॉर सम रीजन ये ई नीचे आ गया, ओके, सो ये ई इनकम्प्लीट ए वर्ड का पार्ट है, सो दिस एंटायर थिंग इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, सो ग्लूकोज में क्या होने वाला है, ग्लूकोज में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होने वाला है और उसके वजह से
यू आर गोइंग टू गेट टू एटीपी मॉलिक्यूल्स एंड पाइरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स. ओके, सो फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज इज गोइंग टू अंडरगो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड यू आर गोइंग टू गेट टू एटीपी मॉलिक्यूल्स एंड वन पाइरुविक एसिड का मॉलिक्यूल. पाइरुविक एसिड का मॉलिक्यूल इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड लैक्टिक एसिड. और वो जो प्रोसेस है पाइरुविक एसिड से अल्कोहल बनना, पाइरुविक एसिड से ऑर्गेनिक एसिड्स बनना, पाइरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनना, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन. ओके, सो अलग अलग पार्ट्स में फर्मेंटेशन होगा तो अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इफ पाइरुविक एसिड इज फर्मेंटेड इन यीस्ट तो यूजिंग अ फ्यू एंजाइम्स इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल. इफ पाइरुविक एसिड इज फर्मेंटेड इन माइक्रोब्स, माइक्रोब्स क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देन यू आर गोइंग टू गेट ऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक ये वर्ड का मीनिंग याद है तुम लोग को, ऑर्गेनिक मतलब व्हेनेवर समथिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग मैटर, प्लांट्स, एनिमल्स, जो कुछ भी लिविंग है उसमें से अगर कुछ चीज निकल रही है उसको हम लोग ऑर्गेनिक बोलते हैं. ओके, सो माइक्रोब्स के अंदर फर्मेंटेशन होगा पाइरुविक एसिड का तो हम लोग को ऑर्गेनिक एसिड मिलने वाले. एग्जाम्पल्स क्या है, विनेगर, विटामिन, ये सब चीजें मिलेंगी. ओके, नेक्स्ट, फर्मेंटेशन हमारे बॉडी में भी होता है. सो फॉर एनरोबिक रेस्पिरेशन हैपेंस इन आवर बॉडी एज वेल. ओके, सो अगर समझो हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, फिजिकल काम कर रहे हैं, सो हमारे मसल सेल्स के अंदर पाइरुविक एसिड का फर्मेंटेशन हो जाएगा और लैक्टिक एसिड बन जाएगा. एंड व्हेनेवर लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में बढ़ जाता है देन वी विल फील टायर्ड, हम लोग को काफी थकान फील होगी. वो थकान क्यों फील होती है, बिकॉज लैक्टिक एसिड बहुत बन जाता है हमारी बॉडी में. सो दिस विल जनरली हैपन एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं या फिर खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तब. ओके, सो दिस इज योर एनएरोबिक रेस्पिरेशन. फर्स्ट, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरुविक एसिड एंड 2 ATP, इस प्रोसेस को बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस. फिर पाइरुविक एसिड इन सब चीजों में कन्वर्ट होने वाला है, डिपेंडिंग ऑन वो कहां पे किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में, यीस्ट में कुछ अलग होगा, माइक्रोब्स में कुछ अलग होगा, हमारे मसल सेल्स में कुछ अलग होगा. सो इस प्रोसेस को बोलेंगे फर्मेंटेशन. सो दैट इज योर एनरोबिक रेस्पिरेशन एट सेलुलर लेवल. ओके, सो मेक श्योर यू आर ड्रॉइंग दिस टेबल इन योर नोटबुक्स. ओके, नेक्स्ट, अगेन वी आर गोइंग टू सॉल्व वन एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन गिवन ऑन पेज नंबर 21. सो क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड TCA साइकिल. TCA क्या है, तुम्हारे एरोबिक रेस्पिरेशन का सेकेंड स्टेप, विच इज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. ओके, सो उसको शॉर्ट फॉर्म में TCA साइकिल लिखा है यहाँ पे. सो जो फर्स्ट स्टेप है और सेकेंड स्टेप है उसके बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखना है. सो अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल 5 seconds टू जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक ऑफ द पॉइंट्स जो दोनों में अलग अलग है. ओके, एक तो मैंने सीधा बोल दिया ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का और TCA या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल सेकेंड स्टेप है, तो ये एक पॉइंट हो सकता है तुम लोग का. ऐसे और कौन से पॉइंट्स तुम लोग सोच सकते हो जो दोनों में अलग अलग है, ऑपोजिट है. ओके, आई एम गोइंग टू वेट फॉर 5 seconds फॉर यू ऑल टू थिंक ऑफ अ फ्यू पॉइंट्स. ओके, एंड जस्ट सी तुम लोगों को कितने पॉइंट्स याद आ रहे हैं. सो आई एम गोइंग टू वेट फॉर 5 seconds. Okay, I hope all of you all have paused the video and have come at least with 2 more points for distinguish between these two. Okay, now we're going to see the answer. So, first point, glycolysis occurs in cytoplasm and TCA cycle occurs in mitochondria. Ye ek first step, right? Next step, it is common in both aerobic and anaerobic respiration. Glycolysis dono mein hota hai, aerobic respiration mein bhi hota hai aur anaerobic respiration mein bhi hota hai. But TCA cycle dono mein nahi hota, right? TCA cycle sirf aerobic respiration mein hota hai. So that is another difference. Next, glycolysis mein carbon dioxide release nahi hota, whereas TCA cycle mein carbon dioxide release hota. That's another point you all could have thought of. Then it results in formation of 2 molecules of, so basically iske baad kaun se molecules form hote hai ye list out kiya. So glycolysis ke baad pyruvic acid form hota hai, ATP form hota hai, NADH twice form hota hai, H2O form hota hai. Aur TCA cycle mein kya form hota hai, TCA cycle ke baad carbon dioxide form hota hai, coenzyme A form hota hai, फिर ATP, NADH twice and FADH twice, ये सारे फॉर्म होते हैं. दोनों में सेम चीजें फॉर्म नहीं होती है, कुछ कुछ कॉमन है बट कुछ कुछ अलग भी है. सो दैट आई हैव पुट एज पॉइंट नंबर 4.
नेक्स्ट इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, इट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ये तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया था. ओके एंड द लास्ट पॉइंट इज इट इज अ लीनियर इक्वेशन. आई विल वेट फॉर दैट बार टू गो डाउन. ओके ब्लैक कलर का बार. ओके इट इज अ लीनियर पाथवे और टीसीए साइकिल में इट इज अ साइक्लिक पाथवे. लीनियर यानी एक स्टार्टिंग है एक फिनिश है, बार बार वही रिएक्शंस नहीं होने वाले. वैसे तुम लोग ने टीसीए साइकिल का जो टेबल है या फिर फ्लो चार्ट है उसमें देखा होगा कि ऐसा गोल ड्रॉ किया. वो गोल क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि कुछ रिएक्शंस बार बार होने वाले हैं. स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है, सो कुछ चीजें बार बार होने वाले, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ साइक्लिक. सो ग्लाइकोलिसिस में ऐसा नहीं होता, ग्लाइकोलिसिस में एक स्टार्टिंग पॉइंट है एक एंड पॉइंट है. मतलब टीसीए साइकिल में कुछ चीजें बार बार होने वाली है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ साइक्लिक पाथवे. सो दैट आई हैव रिटन एज सिक्स्थ पॉइंट. अगेन एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूर टू कॉपी दीज आंसर्स इन योर नोटबुक एंड बाय हार्ट दीज आंसर्स. ओके एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन यू विल हैव टू बाय हार्ट सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशंस. ओके सो वी आर गोइंग टू मूव अहेड अगेन. अ फ्यू कैन यू टेल टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके विच आर गिवन ऑन योर पेज नंबर 16. वेरी इजी बोथ ऑफ देम आर. विच टाइप ऑफ सेल्युलर रेस्पिरेशन परफॉर्म्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड विच सेल ऑर्गेनेल इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. ओके सो बोथ ऑफ दिस आंसर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल इन द प्रीवियस स्लाइड्स. सो जस्ट टेक 5 सेकंड्स एंड ट्राई टू रिकॉल दोस स्लाइड्स, प्रीवियस स्लाइड्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर, ट्राई टू थिंक ऑफ द आंसर. ओके आई एम गोइंग टू वेट फॉर 5 सेकंड्स फॉर यू टू थिंक, उसमें पॉज करके आंसर सोच लो. ओके आई होप तुम लोग ने पॉज करके आंसर ढूंढ लिया. इट्स बोथ ऑफ दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी. सो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है एरोबिक रेस्पिरेशन. ओके सो इफ यू ऑल पेड क्लोज अटेंशन, एनोरोबिक रेस्पिरेशन में जो फर्स्ट पॉइंट है, लेट मी शो दैट स्लाइड. यहाँ पे इफ यू सी, यहाँ पे मैंने इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन लिखा है. सो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो ग्लाइकोलिसिस है उसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है. इनकम्प्लीट नहीं, पूरा का पूरा नहीं होता, वेरस एरोबिक में पूरा कंप्लीट हो जाता है ऑक्सीडेशन. ओके सो दैट वॉज योर आंसर. तो अगर इस पॉइंट पर तुम लोग ने ध्यान दिया होता तो तुम लोग को आंसर आ जाता. ओके सो ऐसे छोटे छोटे चीजों पर ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनेल इज नेसेसरी फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइट. पहला जो स्टेप है वो साइटोप्लाज्म में हो जाता है. तो साइटोप्लाज्म ऑर्गन नहीं है, राइट. सेल के अंदर का बस स्पेस है वो. बट अगर तुम लोग को ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कंप्लीट करना है तो टीसीए साइकिल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना पड़ेगा. इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया ये जो ऑर्गन है वो नेसेसरी है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कंप्लीट करने के लिए. ओके सो बोथ ऑफ दीज आंसर वो वेरी इजी टू थिंक ऑफ इफ यू आर पेड वेरी गुड अटेंशन इन द प्रीवियस स्लाइड्स. ओके मूव अहेड. अब हम लोग देखने वाले हाउ डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कॉम्पोनेंट्स. अलग अलग फूड कॉम्पोनेंट से हम लोग को एनर्जी कैसे मिलती है. ओके सो फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स. ओके सो एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. ओके सो हमारे बॉडी में अगर एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स होंगे तो हमारे बॉडी में कैसे स्टोर होते हैं, कहाँ पे स्टोर होते हैं, लिवर में स्टोर होता है और मसल्स के अंदर स्टोर होता है. ओके और किस फॉर्म में स्टोर होता है, इट्स अ मॉलिक्यूल कॉल्ड ग्लाइकोजन. ओके GLY ग्लाई CO को GEN जेन ग्लाइकोजन. सो से दिस वर्ड आफ्टर मी सो दैट योर प्रोनाउंसिएशन आर करेक्ट. ओके ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन. ओके सो दिस इज ग्लाइकोजन. सो दैट इज अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट प्रोटीन्स. ओके सो पहले प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं. अगेन यू नीड नॉट कॉपी दिस इन योर नोटबुक्स. ओके क्योंकि ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक से डायरेक्टली मैंने कॉपी पेस्ट किया है. सो डू गेट इनटू अ हैबिट ऑफ रीडिंग योर टेक्स्ट बुक्स. आफ्टर एक्सप्लेन अ सर्टेन टॉपिक यू विल नीड टू गो एंड रीड योर टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो. अगर तुम टेक्स्ट बुक्स नहीं रीड करोगे और आंसर्स बाय हार्ट नहीं करोगे, इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड थिंग्स इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशंस. ओके सो get into a habit of reading textbooks and start by-hearting the answers. Okay. So, proteins. Proteins ke baare mein janenge pehle. So, proteins are macromolecules. Macro matlab kya? Micro, tum log ne ye word suna hoga, right? Micro. Micrometers. Microliters. So, micro ka matlab kya? Micro matlab chota. Micrometers yani mm, right? Mm, centimeter se bhi chota hota. So, micro yani chota. So, macro matlab kya hoga? Uska opposite, right? So, micro मतलब छोटा, तो macro मतलब बड़ा. Okay? So,
मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स। सो प्रोटीन्स क्या है? बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है। और कैसे फॉर्म हुए? दे आर फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग टुगेदर मेनी एमिनो एसिड्स। ओके, अगेन एमिनो एसिड्स आर व्हाट? दे आर बेसिकली सम टाइप ऑफ कंपाउंड्स। और बहुत सारे एमिनो एसिड्स को साथ में बॉन्ड करने के बाद प्रोटीन्स बन जाते हैं। ओके, सो प्रोटीन्स बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एमिनो एसिड्स को जोड़ के बनाते हैं। ओके, प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन आर कॉल्ड फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स। जो कुछ भी एनिमल्स में से प्रोटीन्स निकलते हैं या फिर जो जो कुछ भी एनिमल्स में प्रोटीन्स मिलते हैं, दोज आर नोन एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स। नेक्स्ट, एक ग्राम प्रोटीन से कितना एनर्जी मिलेगा? 4 किलो कैलोरीज। ओके, एक ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरीज का एनर्जी मिलेगा। किलो कैलोरीज इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट, एमिनो एसिड्स आर ऑब्टेंड आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। एमिनो एसिड्स कैसे मिलते हैं? जब हमारे हम जो कुछ भी खाते हैं और वो डाइजेस्ट हो जाता है तो एमिनो एसिड्स मिल जाते हैं उसमें से। ओके, दोज एमिनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेड अप टू ईच ऑर्गन एंड सेल वाया बॉडी। सो जब भी कुछ हम लोग खा रहे हैं उसमें जो प्रोटीन्स है उसको डाइजेस्ट करने के बाद एमिनो एसिड्स मिल रहा है, और एक बार वो एमिनो एसिड्स मिल गए तो वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी के अंदर और फिर उन्हें ट्रांसपोर्ट किए जाते हर ऑर्गन पे और हर सेल तक। किससे ट्रांसपोर्ट होते हैं? ब्लड से। सो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा एमिनो एसिड्स और पूरे बॉडी में ब्लड से हर एक ऑर्गन और हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? एमिनो एसिड्स की। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम दीज एमिनो एसिड्स, ओके या लास्ट पॉइंट, फ्रॉम दीज एमिनो एसिड्स ऑर्गन्स एंड सेल्स कैन प्रोड्यूस वेरियस प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर देमसेल्व्स एंड द होल बॉडी। सो जो एमिनो एसिड्स हर सेल तक पहुंच गए उसको यूज कर सकते हैं हर ऑर्गन और हर सेल, ताकि वो लोग अपने हिसाब से नए नए प्रोटीन्स बना सके। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स वी हैव सीन, राइट? प्रोटीन्स कैसे बनते हैं? फ्रॉम बॉन्डिंग टुगेदर मेनी एमिनो एसिड्स। सो जो कुछ भी खाएंगे प्रोटीन्स उसको डाइजेस्ट करके एमिनो एसिड्स बनेंगे। एमिनो एसिड्स पूरे बॉडी तक फैल जाएंगे ब्लड में से, और हर सेल अपने हिसाब से उसको जैसे प्रोटीन्स बनाने अपने आपके लिए प्रोटीन्स बना लेगा। ओके, सो दैट्स अबाउट प्रोटीन्स। नेक्स्ट, एनर्जी। सो बेसिकली मैंने क्या बोला, एमिनो एसिड्स हर एक बॉडी के ऑर्गन तक और सेल तक जाएगा, राइट? और वो अपने अपने प्रोटीन्स बनाएगा। सो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए। फॉर एग्जांपल, जो एमिनो एसिड्स ब्लड में जाएंगे उससे हीमोग्लोबिन का प्रोटीन बनेगा और एंटीबॉडीज बनेंगे। एंटीबॉडीज अभी बहुत चलचे में बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, राइट? कोरोना वायरस को अगर हराना है तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार होने चाहिए। सो एंटीबॉडीज कौन तैयार करने वाला है? ब्लड में तैयार होने वाला है। और वो ब्लड में तैयार होने के लिए क्या चाहिए तुम लोग को? एमिनो एसिड्स। सो तुम लोग जो प्रोटीन्स खा रहे हो, प्रोटीन से एमिनो एसिड्स मिलेगा डाइजेशन के बाद, वो एमिनो एसिड्स ब्लड में जाएगा और ब्लड में एंटीबॉडीज तैयार होंगी। सो अगर तुम लोग को अच्छे से फाइट करना है कोरोना वायरस को, यू ऑल नीड एमिनो एसिड्स, जिसके लिए तुम लोग को प्रोटीन्स खाने पड़ेंगे। सो दैट्स द कनेक्शन टू मेक। ओके, फिर स्किन में जाओगे तो मेलानिन बनेगा, केराटिन बनेगा। नेक्स्ट आई रीड पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में एमिनो एसिड जाएंगे तो इंसुलिन बनेगा। इंसुलिन अगेन वी हैव सीन काफी इंपॉर्टेंट है शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में हमारे बॉडी में, राइट? सो इंसुलिन बनाएगा पैनक्रियाज, ट्रिप्सिन बनाएगा पैनक्रियाज। सो ऑल दीज आर वेरियस नेम्स ऑफ प्रोटीन। सो आई वुड से कॉपी दिस टेबल इन योर नोटबुक एंड बाय हार्ट ऑल दिस। ओके, तुम लोग को सबके एटलीस्ट एक एक तो पता होने चाहिए कौन सा प्रोटीन बना रहा है उस ऑर्गन में जाके एमिनो एसिड्स को एक साथ बॉन्ड करने के बाद। सो कॉपी दिस टेबल इन योर नोटबुक एंड बाय हार्ट दिस टेबल। ओके, मूविंग अहेड, एमिनो एसिड्स इन बॉडी। सो नाउ वी गोना सी समथिंग रिलेटेड टू एमिनो एसिड्स इन डिटेल। ओके, सो एक्सेस ऑफ एमिनो एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम प्रोटीन्स आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। जो कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा एमिनो एसिड्स मिल रहे हैं हम लोग को प्रोटीन से, वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं करके रखते हैं। ओके, दे आर ब्रोकन डाउन एंड अमोनिया फॉर्म इज एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी। सो जो कुछ भी एक्स्ट्रा एमिनो एसिड्स मिल रहे हैं हम लोग को, जो कुछ भी हम लोग प्रोटीन्स खा रहे हैं उसमें जो कुछ भी एक्स्ट्रा बच गया वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होने वाला है। क्या होने वाला है? उसको अमोनिया में कन्वर्ट करने वाली है हमारी बॉडी, और वो अमोनिया को हमारे बॉडी से बाहर फेंक देगी। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो अबाउट एमिनो एसिड्स। एक्स्ट्रा हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होगा, अमोनिया बन के बाहर फेंक देंगे। नेक्स्ट, इफ नेसेसरी एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इंटू अदर यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज थ्रू प्रोसेस ऑफ ग्लूकोजेनेसिस। ओके, अगर जरूरत पड़ी
तो एक्स्ट्रा जो प्रोटीन है उसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरे चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं जो यूजफुल है हमारे लिए। सो ग्लूकोज हमारे लिए यूजफुल है, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके हम लोग को एटीपी मिलता है और एटीपी से हम लोग एनर्जी यूज कर सकते हैं। सो प्रोटीन को कभी कभी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकती है हमारी बॉडी, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। सो GLU इज ग्लू, CO इज को, सो ग्लूको, NEO इज नियो, सो ग्लूको नियो, एंड GENESIS इज जेनेसिस। ओके, सो दिस इज ग्लूको नियो जेनेसिस, सो ग्लूको नियो जेनेसिस। सो द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन्स बीइंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, सो से दिस वर्ड आफ्टर मी, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, लास्ट पॉइंट, फ्रॉम दीज एमिनो एसिड्स ऑर्गन्स एंड सेल्स प्रोड्यूस वेरियस प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर देमसेल्स एंड द होल बॉडी। तो इन एमिनो एसिड से ऑर्गन्स और सेल्स जो और जैसा प्रोटीन बनाना है अपने बॉडी के लिए वैसे प्रोटीन बना देंगे। ओके, दिस वी हैड सीन इवन इन द लास्ट स्लाइड। सो ये जो दो तीन स्लाइड्स में कॉपी लिखा है मैंने यहाँ पे, कॉपी दिस इन योर नोटबुक एंड बाय हार्ट दिस। ओके, एनी ऑफ दिस पॉइंट कैन बी आस्क्ड एज अ स्मॉल क्वेश्चन और एज अ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन योर एग्जाम। सो इट्स नेसेसरी दैट यू बाय हार्ट दिस दीस स्लाइड्स। ओके, नेक्स्ट, प्लांट्स प्रोड्यूस द नेसेसरी एमिनो एसिड्स फ्रॉम मटीरियल्स डी नोवो एंड देयर बाय प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोटीन। तो अब तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे, एमिनो एसिड्स इन ह्यूमन बॉडी, राइट। बस यहाँ पे प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स कैसे बना रहे एमिनो एसिड्स। प्लांट्स प्रोड्यूस नेसेसरी एमिनो एसिड्स फ्रॉम मिनरल्स, मिनरल्स से एमिनो एसिड्स बनाते हैं प्लांट्स। ओके, डी नोवो यानी स्टार्टिंग से, डी नोवो यानी स्टार्टिंग से। तो एकदम जो स्टार्टिंग प्रोसेस है एमिनो एसिड्स बनाने का, वहां से वो मिनरल से एमिनो एसिड्स बनाएगा। सो डी नोवो यानी स्टार्टिंग से बनाना। सो प्लांट्स एमिनो एसिड्स को स्टार्टिंग से बनाने वाले हैं यूजिंग मिनरल्स एंड देयर बाय प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोटीन। और एक बार एमिनो एसिड्स मिल गए तो एमिनो एसिड्स को एक साथ बॉन्ड करके तुम लोग को अलग अलग प्रोटीन्स मिल जाएंगे। एंड एंजाइम रूबिस्को प्रेजेंट इन द प्लांट क्लोरोप्लास्ट इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन नेचर। सो एक एंजाइम है जिसका नाम है रूबिस्को, और ये प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट यानी क्या, फिर रिमेम्बर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, राइट। सो क्लोरोप्लास्ट वो पार्ट है प्लांट का जिसके अंदर क्लोरोफिल होगा, जिसकी वजह से ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर मिलेगा प्लांट्स को। ओके, सो उसके अंदर रूबिस्को नाम का एक एंजाइम होगा एंड दैट इज द मोस्ट एबंडेंट। एबंडेंट अगेन वी हैड सीन दिस वर्ड, राइट। इस वर्ड का मीनिंग हमने ऑलरेडी देखा है, एबंडेंट यानी बहुत ज्यादा सप्लाई है। कहाँ पे सप्लाई, नेचर, नेचर में इसका सबसे ज्यादा सप्लाई है। ओके, नेक्स्ट, दैट इज इट फॉर दिस लर्निंग सेशन। सो डिफरेंट वर्ड्स वी लर्न टुडे, फर्स्ट वाज जर्मिनेशन। सो इट इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ग्रोस सीड। एक सीड में से जो कुछ भी नई प्लांट बन रहा है उसको बोलेंगे जर्मिनेशन। नेक्स्ट, डीनोवो, डीनोवो यानी स्टार्टिंग से। ओके, एकदम स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। लास्टली क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इज समथिंग विच कंटेन्स क्लोरोफिल इन प्लांट्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस लर्निंग सेशन एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टुडेज लर्निंग सेशन एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लर्निंग सेशन। सो सी यू गाइस, बाय, पीस।